के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ और जनरल पुलिस के साथ पूरा पूरा ताबून करेंगे। हम जम्मू कश्मीर में बेहतर से बेहतर सहूलियात सवारियों को देंगे और जम्मू से नशाखोरों को ड्रग्स जो बेचते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखेंगे और ऐसी वारदात जो भी हुई उसका हम पुलिस और सरकार को जानकारी देंगे और जम्मू में एक अच्छा भाईचारे का पैगाम और माहौल पैदा करेंगे। ये हमारी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की शर्तें हैं, ये हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये हम शपथ लेकर के आज हम ये शपथ लेकर आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन का निर्माण कर रहे हैं। पत्रकारों को कोई सवाल पूछने हो तो पूछ। आज ये जो शपथ ली जा रही है ये किस लिए ली जा रही है? ये एक नई जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन तश्कील हुई, हाथ खड़े करके। अच्छा, और इसमें संजय सेठी और हनीफ चौधरी साहब वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इसके साथ नीचे और वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और उसके साथ जनरल सेक्रेटरीज हैं और ये तमाम 33 मेंबरी की कमेटी है और हर स्टैंड जम्मू के जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे ये जो ऑफिस बीरर्स हैं, अहदेदार हैं, इसका ये आपको जानकारी जल्द मिल जाएगी जैसे ही रजिस्टर ये कमेटी 2-4 दिन में हो जाएगी। जम्मू कश्मीर ऑटो नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमने जो रखी है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें रखी हैं वो आपके समक्ष हमने रखी है और ये बेहतर, और पिछले दिनों में कुछ हमने ये सरकार से कहा था कि आपने 50 साल पुरानी इंडस्ट्री को एक ही झटके में तोड़ दिया। आज कुछ लोग पत्रकार मित्र ये भी कह रहे थे कि पत्रकार वार्ता है तो किसी होटल में होनी चाहिए, किसी रेस्टोरेंट में होनी चाहिए, कहाँ से करेंगे? इन लोगों के पास किश्तें देने के लिए पैसे नहीं हैं, इन लोगों के पास अपने परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, बैंक की इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं है। आप डिस्कॉम साहब के पास भी गए थे, उनके साथ भी मुलाकात की थी, मीटिंग हुई थी, आपने कहा था कि उन्होंने कह दिया कि आप वो ई रिक्शा जो है वो जम्मू में नहीं आए, अभी भी निकल रहे हैं सर, तो फिर आप क्या बात? वही सरकार को इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो सोच विचार करना होगा। एक 50 साल पुरानी इंडस्ट्री को आपने एक ही झटके में तबाह कर दिया। देखिए, आज पहले मुबारक की बात तो यह है कि एक जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन के नाम के ऊपर एक नई संस्था बनी है जो आगे से सरकार और इनके बीच में पुल का काम करेगी और आगे से कोई भी मुश्किल आएगी तो उसकी देखरेख करेगी, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? निपकॉम साहब से जो मुलाकात हुई थी उसका क्या बना? निपकॉम साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी उन्होंने आश्वासन दिया था और आश्वासन के तहत उन्होंने जो कहा था उसके ऊपर आरटीओ साहब से आप पूछे, डीसी जम्मू से पूछे, उस समय तो वो भी वहाँ थे, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की ये उनसे पूछे, आप हमसे ना कहलवाए, क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन जब हम वहाँ पर पहुंचे थे आपके अंदर एक उम्मीद, गौरव एक विवाद सरकार ने खुद खड़ा कर दिया, उधर आइए, एक सरकार ने खुद विवाद खड़ा कर दिया है, उस विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत से सारी बात को ठीक करना चाहते हैं, हम कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं पैदा करना चाहते हैं और हम प्यार के साथ, देखिए ना आज कितने प्यार के साथ इन्होंने सभी ने सौगंध उठाई, कितने प्यार के साथ भाईचारे का पैगाम दिया और कितने प्यार के साथ उन सब ने कहा कि हम सरकार के बीच में और ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के बीच में एक पुल का काम करेंगे, इससे बेहतर आश्वासन और क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है जिसका गठन हो रहा है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे रोक पाएगी ई रिक्शा? देखिए, हम सरकार से बातचीत करेंगे, सरकार को अपनी बातचीत तो आपने पहले भी की, लेकिन हाल तो कोई निकलने का निकलेगा जल्द निकलेगा, गौरव आप भी देखोगे, अजितेश भी देखेगा, ये तंदीर भी देखेगा, निकलेगा भी देखेंगे। देखिए, जिस परमिट का पहले रेट था 2.5 लाख रुपया, आज वो परमिट 15,000 रुपये में बिक रहा है, कब हल निकलेगा जब वो परमिट? मैं पत्रकारों से भी कहूँगा कि कुछ सवाल आप सरकार से भी पूछें, देखिए सरकार की नुमाइंदगी, देखिए आप कह रहे थे कि होटलों में पत्रकार वार्ताएं होती है, सरकार से हम पूछेंगे, लेकिन हमें पहले पता तो चले आपकी सरकार से बात क्या हुई है, बता दीजिए ना।
यही बातें तो बात रखी है आपने सामने। क्या क्या बातें रखी? यही कि आपने एक मुसीबत खड़ी कर दी है, एक विवाद खड़ा कर दिया है, उस विवाद को आप सुलझाएं।